थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे संग रहना के बारे में, आप यहाँ पे सपोर्ट करने आए गानों को, क्या क्या ऐसी खास बात थी इस गाने में जो उर्फी खुद सपोर्ट कर रही है इस गाने में? सो माई फ्रेंड वॉज ऑर्गेनाइजिंग दिस अभिमान एंड ही टोल्ड मी दैट द सॉन्ग इज अमेजिंग एंड ही इनवाइटेड मी एंड दे वांटेड मी, सो आई थॉट व्हाई नॉट लेट्स गो। मैं फ्री भी थी आज। ओके, और जो केमिस्ट्री दिखाई है फादर और डॉटर की, फादर डॉटर की केमिस्ट्री नहीं होती है, प्यार होता है, केमिस्ट्री नहीं होती। आई मीन इट्स अ गुड थिंग टू सी कि ऐसे भी बाप है दुनिया में, यू नो, हु एडमायर द डॉटर्स, हु डू सो मच फॉर अ गर्ल चाइल्ड, इट्स अ वेरी हार्ट वार्मिंग टू सी। वाई नॉट, ऑफकोर्स कुछ आगे अच्छा आएगा, इट विल बी माई टाइप, तो मैं क्यों नहीं काम करूँगी, आई वुड लव टू। संग रहना, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि लोगों में जो प्यार है वो प्यार के वजह से दुनिया चलती है, और जब तक हम साथ में नहीं रहते तब तक एक अच्छा कम्युनिटी या अच्छा समाज नहीं बनता। इसकी पहली कड़ी है जो मैंने लोगों के सामने लाने की कोशिश की है, डॉटर और फादर का प्यार बहुत अलग तरीके से होता है और वो मुझे दिखाना है। मैं खुद एक फादर हूँ, लेकिन इसके ज़रिए, बस इतना ही नहीं, लेकिन इसके ज़रिए मैं ये चाहता हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बने हमारे जयराज के बारे में। ये जयराज का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा, तो ये जयराज मतलब सिर्फ म्यूज़िक कंपनी नहीं है, तो जयराज स्टूडियोज़ प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है, और जिसके अंडर में इंटरटेनमेंट वर्ल्ड में जितने भी काम होते हैं, फॉर एग्जांपल फिल्में बनाना है या फिर एल्बम बनाना है या फिर कुछ गाने बनाने हैं या फिर कुछ इंटरटेनमेंट टैलेंट शो करने हैं, वो टोटल जो पार्ट है वो सब जयराज स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड के अंदर में आएगा, बहुत बड़ा है। और जैसे अभी उर्फी बोल रही है, लेकिन कुछ है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उर्फी के साथ बहुत अच्छा काम हो सकता है। उसको बहुत कम चीज़ों को उर्फी सपोर्ट करते हुए दिखते हैं, गाने को सपोर्ट करते हुए, क्या कहना चाहिए? ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है, ये तो हमारी वैसे देखा जाए तो पहली ही मुलाकात है, लेकिन कुछ वाइब्स होते हैं, जैसे कि मैं बहुत नीचे से ऊपर आया हूँ, मतलब एक समय था कि बॉम्बे के भाषा में बोला जाए तो खाने पीने के बांधे थे, और आज हो ना हो मेरी 8 से 10 कंपनियां अलग अलग सेक्टर में काम कर रही है। उर्फी के बारे में जानकारी लिया जाए तो उसका भी वही कंडीशन था जिस कंडीशन से मैं आया हूँ, तो ये जो नेचुरल अटैचमेंट होता है, मुझे लगता है कि वो कारण होगा कि उर्फी ने ये प्रोग्राम में आने के लिए हाँ बोल दी और वो आई है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छा काम हमारा एक साथ हो सकता है, तो बस आई होप इनका प्रोडक्शन हाउस बहुत अच्छा करे, एंड ऑफ कोर्स आई लव सेल्फ मेड पीपल, ही इज़ अ सेल्फ मेड मैन एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट।